हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज हम लोग मॉक टेस्ट 8 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको 7 मॉक टेस्ट सॉल्व करा दिया गया है और ये मॉक टेस्ट जो है बेसिकली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके और कुछ रीजनिंग क्वेश्चन और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन को मैं डालता हूँ, ठीक है, और पॉलिटी और कुछ लीगल के क्वेश्चन भी डाला जाता है। लेकिन आज का जो मॉक टेस्ट है वो बेसिकली पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ है, किस तरीके से मॉक को अटेम्प्ट करना है मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको 1 से लेकर 25 तक का नंबरिंग कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से जो नंबरिंग कर लेना है और उसके बाद जो क्वेश्चन सही होगा उसको सही करना है, जो गलत होगा उसको क्रॉस कर देना है। और इस तरीके से लास्ट में आपको 25 में से कितना मार्क्स है आपको स्कोर बताना है। जिन भी स्टूडेंट्स का 20 प्लस रहेगा वो वेल एंड गुड रहेंगे, ठीक है। जिनका 22 प्लस रहेगा, 22 या 22 प्लस, ये उन्हें एक्सलेंट के तौर पर रखा जाएगा। और जिनका 20 से नीचे होगा उनको और भी मेहनत करने की जरूरत है। तो बेसिकली आप लोग का सारा करंट अफेयर्स धीरे धीरे करके प्रिपरेशन हो ही गया होगा। मैंने आपको दिसंबर से लेकर जुलाई तक सारा करंट अफेयर्स आपको मैंने प्रोवाइड करा ही दिया हूं। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी लगाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, गीता गोपीनाथ बिकेम द फर्स्ट वीमेन एंड सेकेंड इंडियन टू फीचर्स ऑन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IBRD, IMF, ADB या फिर IFC। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसकी लैंग्वेज इतनी बड़ी लिख दी गई है इससे आपको डर लग गया होगा क्वेश्चन बहुत बड़ा है। नहीं, क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, आपको समझने के ऊपर है। इसी टाइप का लेवल का क्वेश्चन, लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। चलिए, तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन का क्या रहा है, मतलब क्वेश्चन यह कह रहा है गीता गोपीनाथ जो है वो पहली महिला, ठीक है, गीता गोपीनाथ जो है पहली महिला और दूसरी इंडियन चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी किस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये बनी थी IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सेकेंड इंडियन थे। सेकेंड इंडियन कौन थे? तो सेकेंड इंडियन उनका नाम है गीता गोपीनाथ। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपसे कि अभी जो चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है IMF का अभी जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उनका नाम क्या है। तो इनका नाम है, पूरा नाम मैं बताता हूं, पियरे ओलिवर गोरिंचस। ये जो है अभी IMF के क्या चीफ इकोनॉमिस्ट है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आप यहां देख रहे होंगे सेकेंड इंडियन है, तो जरूरी बात है कि फर्स्ट इंडियन कोई ना कोई रहा होगा। तो फर्स्ट इंडियन जो रहे थे उनका नाम है रघुराम राजन जो थे वो भारत के रिजर्व बैंक के ये गवर्नर भी रह चुके हैं, और ये 2003 से लेकर 2006 के बीच में थे। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि सेकेंड इंडियन ये थी गीता गोपीनाथ, तो फर्स्ट इंडियन कौन हो गया? रघुराम राजन। यहां पर एक क्वेश्चन ये भी है कि फर्स्ट वीमेन कौन थी? तो गीता गोपीनाथ थी। लेकिन अब यहां पर नाम आया है IMF का, तो हमें जरूरी है कि IMF के बारे में कुछ ना कुछ हमें जानना पड़ेगा। तो IMF का हेडक्वार्टर है वह वॉशिंगटन डीसी। IMF के जो MD है उनका नाम है क्रिस्टेलिनिया जॉर्जिया। इसके बाद IMF के जो डिप्यूटी MD है उनका नाम है गीता गोपीनाथ। इसके अलावा यहां पर एक क्वेश्चन, हाँ यह तो मैं बता ही दिया हूं, तो यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट था, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, MD है क्रिस्टेलिनिया जॉर्जिया, डिप्यूटी MD गीता गोपीनाथ, और IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट अभी जो है वह पियरे ओलिवर है। लेकिन ये सेकेंड इंडियन जो बनी थी वो गीता गोपीनाथ थी, फर्स्ट इंडियन जो थे रघुराम राजन थे, और गीता गोपीनाथ जो पहली महिला थी जो कि IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट बनकर आई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु हैड बीन चूजन एज द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं CII, प्रेसिडेंट डेजिग्नेट फॉर द ईयर ऑफ 2022 एंड 2023, संजीव पुरी, संजीव बजाज, आर दिनेश, आर एम माधवन या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया, आर दिनेश, उनका करेक्ट आंसर है, अगर आपसे बात की जाए वाइस प्रेसिडेंट
तो वाइस प्रेसिडेंट जो बन के आए हैं वो सीआईआई के, उनका नाम है संजीव पुरी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री है, रिसेंटली अलाफिया पठान एंड गीतिका हैव वन गोल्ड मेडल्स एट द इलोडा कप। इलोडा कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, स्नूकर, बॉक्सिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको ये भी क्वेश्चन ये भी छुपा है कि अलाफिया पठान और गीतिका जो है वो गोल्ड मेडल जीती है किस स्पोर्ट्स में, मतलब किस स्पोर्ट्स का नाम मैं बताऊंगा, किस कौन सा कप जीती है लोग, इलोडा कप जीती है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए जल्दी से बताइए। इलोडा कप जो वो बिलोंग्स टू रिलेट टू है बॉक्सिंग, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। लेकिन इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बता दूं, देखो एसएस कप, एसएस कप ये होता है क्रिकेट का, इसके अलावा आपको जीडी बिरला कप, जीडी बिरला कप ये भी क्रिकेट का। देखो मैं इसे कुछ फैक्चुअल चीज बताते रहता हूं ताकि साथ साथ आपका स्टैटिक भी कवर हो सके। इसके अलावा इसका आप नाम नहीं सुनेंगे, गुलाम अहमद ट्रॉफी, ठीक है, गुलाम अहमद कप ये भी क्रिकेट का ही है। इसके अलावा अगर बात करें फुटबॉल का एक दो बता देता हूं, तो बीसी रॉय ट्रॉफी जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, और नेहरू ट्रॉफी ये जो है हॉकी से रिलेटेड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द काशी यात्रा स्कीम, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। एक बार मैं आप लोग से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सारे आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटका। चलिए कर्नाटका के बारे में जरा सा जान लें, तो कर्नाटका के जो सीएम है उनका नाम है बसवराज बोम्मई। कर्नाटका के जो गवर्नर हैं उनका नाम है थावरचंद गहलोत। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हेन वाज द फर्स्ट राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड, 1951, 1949, 1952 या फिर 1950। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 1952। और 1952 में कब, 3 अप्रैल, ये भी डेट आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 3 अप्रैल 1952। बात करें राज्यसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो राज्यसभा के जो नए चेयरमैन बनकर आए हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़। कुछ ही दिनों में ये आपको दिखने लगे हैं, लेकिन आपको यही याद करके चलना है, वेंकैया नायडू का समाप्त हो रहा है। डिप्यूटी चेयरमैन के बारे में आपसे पूछ दिया जाए, तो अभी जो डिप्यूटी चेयरमैन है उनका नाम है हरिवंश नारायण। इसके अलावा इसके सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, राज्यसभा का जो सेक्रेटरी जनरल उनका नाम है प्रमोद चंद्रा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। देखो और लीडर, जो लीडर है वो है पीयूष गोयल, और अपोजिशन ऑफ लीडर की आपसे बात पूछा दिया जाए, अपोजिशन ऑफ लीडर अभी कौन है, तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट्स है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स रिलीज बाय ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस, मतलब ओआईसीए का ये फुल फॉर्म है ओआईसीए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स रिलीज बाय ऑर्गेनाइजेशन ओआईसीए,
इंडिया हैज सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और डी होगा, जर्मनी। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे वो है चाइना है, सेकंड पे वो है यूएसए, थर्ड पोजीशन है जापान का और फोर्थ पोजीशन है हमारा प्यारा इंडिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन है, सेरेजियो परेज हैज वन द फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स डी मोनेको विथ 25 पॉइंट्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कितना बड़ा क्वेश्चन लिखने का मेन यही होता है कि आपको एक क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको याद करवा के मैं जाऊं। हेल्ड एट सर्किट डी मोनेको, मोनेको यूरोप, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? मैक्सिको, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, सर्बिया या फिर नन ऑफ दीज? पता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ये चूज किया मैक्सिको, उनके करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, मैक्सिको इज द करेक्ट आंसर। इसको अच्छे से आप लोग चूज करके जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट्स इन अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट 2022 विच इज हॉस्टेड बाई उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, नॉर्वे, अजरबैजान या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है मंगोलिया, उनके करेक्ट आंसर है। बात आई है मंगोलिया की, तो मंगोलिया के बारे में हम लोग कुछ फैक्चुअल चीज देखेंगे जो स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है। मंगोलिया का जो कैपिटल है वह उलन बटोर। मंगोलिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है उखनागलिन। और यहां का जो करेंसी है मंगोलिया का वो है टोगरोग। तो इतना आपको पता होना चाहिए। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसलिए मैं बताता हूं कि ताको आपको नॉलेज हो, क्योंकि ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज जरूर पूछ सकता है। तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिया जाता है तो उसको आप अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर्स बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रीच 200 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम? विराट कोहली, एम एस धोनी, रोहित शर्मा, केएल राहुल या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर होगा। विराट कोहली पहले नंबर पे जो है उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो रोनाल्डो से आप नाम याद रखेंगे, पुर्तगाल का ये प्लेयर है। और दूसरे नंबर पे जो है वो है लियोनल मेसी, लियोनल मेसी। और तीसरे नंबर पे कौन है? हमारा प्यारा विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमाड इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इट इज बेस्ड इन विच कंट्री? हमाड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूएई, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, कतर या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखो डेली अगर 25 क्वेश्चन तुम करंट अफेयर्स का लगा रहे हो, ठीक है, डेली अगर 25 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स लगा रहे हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं जो मॉक आपको प्रोवाइड कराता हूं 25 बेस्ट जो भी क्वेश्चन मुझे लगता है बेस्ट करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होता है वो लगता है। तो मुश्किल से अगर 40-45 मिनट्स अगर करंट अफेयर्स यहां से देख लेते हो और उसका एक घंटा रिवीजन कर लेते हो घर पे जाके, मतलब घर पे एक्स्ट्रा, तो तुम्हारे लिए ये बेनिफिट है। यानी 2 घंटे का अगर करंट अफेयर्स दे रहे हो पर डे, 2 घंटे का करंट अफेयर्स, इस करंट अफेयर्स से आपको क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा? एक तो आपका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, एक आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, कुछ आपके पॉलिटी के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो
कोई जब आपको पढ़ा रहा है, आपको प्लेटफॉर्म दिया रहा है, तो उसका प्रॉपर यूज किया जाए, वो आपके लिए बेटर होगा। उसके अलावा आप कुछ भी पढ़ो, पॉलिटी अच्छे से पढ़ लो, पॉलिटी भी आपसे अच्छे मार्क्स आते हैं। इसके अलावा लीगल अच्छे से कंप्लीट नहीं है तो लीगल को भी पढ़ो, लेकिन ये 2 घंटा करंट अफेयर्स पे जरूर दो। 1 घंटा खुद से पढ़ो और 1 घंटा यानी 40 मिनट 45 मिनट जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मॉक टेस्ट करवाता हूँ, वहां से देखो। क्योंकि यहां पर मैं मॉक टेस्ट में जो भी आपको क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, या तो मैं खुद सेट करता हूँ, या तो वैसे क्वेश्चन रहते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में इस बार जो पूछे जा रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो करंट अफेयर्स का जो है एक तरीके का स्टैंडर्ड लेवल है। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी लीगल वगैरह सारा चीज पढ़ते रहो, लेकिन करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को छोड़ना मत। मैं अभी बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और पॉलिटी अच्छे रखोगे तो तुम्हारा DU LLB में मार्क्स अच्छे आएंगे। इन पर पकड़ बनाकर रखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है वो, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह है तो उस सबसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, उसको अगर ऊपर ऊपर तुम पढ़े रहोगे तो तुम्हारा मार्क्स आ जाएगा, लेकिन ये सारे सब डीप से पूछते हैं। तो थोड़ी सी आपको अपना स्ट्रेटजी चेंज करना चाहिए। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कतर। लेकिन एक चीज यहां पर मैं और बता दूं, अगर आपसे इंडिया का पूछे इंडिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट क्या नाम आया, क्या मतलब आया है, तो है केम्पेगोड़ा। केम्पेगोड़ा, केम्पेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो थोड़ी सी इस पर भी आपको पकड़ बना के रखनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अवार्ड द रैमन मैग्सेसे अवार्ड, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया या फिर फिलीपींस। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, फिलीपींस। फिलीपींस। लेकिन यहां पर एक चीज और बता दिया जाए कि रमन मैग्सेसे जो नाम दिया गया वो रमन मैग्सेसे आखिर कोई ना कोई तो होंगे, जरूर होंगे। तो ये जो है 7th प्रेसिडेंट थे कहां के, 7th प्रेसिडेंट थे कहां के, फिलीपींस के। इसलिए इन्हीं के नाम से रमन मैग्सेसे अवार्ड को दिया जाता है। चलो एक तो और ये हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर यह भी बन सकता है कि आखिर रमन मैग्सेसे अवार्ड क्यों दिया जाता है। तो यह दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन सर्विस, पब्लिक सर्विस, ETC, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द हेड ऑफिस ऑफ द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, कटक, अमृतसर, गांधीनगर या फिर करनाल। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखो करंट अफेयर्स अगर तुमको अच्छे से पढ़ना है तो सबसे पहले मैं जो 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स मैं आपको दिया हूं वो पूरा देख लो, या फिर अगर अलग अलग वीडियो में देखना चाहते हो तो दिसंबर से लेकर जुलाई तक मैंने आपको MCQ जो प्रोवाइड करवाए वो पूरा MCQ तुम्हें रटे होने चाहिए। इसके अलावा मैंने सेक्शनल करंट अफेयर्स पढ़ाया हूं वो तुम्हें रटे होने चाहिए, और इसके बाद जो मॉक में मैं डेली 25 क्वेश्चन करवाता हूँ वही तुम्हें रटे होने चाहिए। तो इतना करंट अफेयर्स अगर पढ़ के जाओगे तो तुम्हारे मार्क्स में 90+% मार्क्स आने की कोई रोक नहीं सकता है। बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, कटक। कटक की बात किया जाए तो इस्टैब्लिश्ड हुआ था ये 1966 में। इस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, 1966 में, और अंडर किसके अंडर, ये अंडर था ICAR, अंडर ICAR। और ICAR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन काउंसिल, यहां से पूछा जा सकता है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लेकर साथ साथ हम लोग को चलना होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ चेस ओलंपियाड विल बी हेल्ड इन चेन्नई फ्रॉम 28 जुलाई टू 10th अगस्त 2022, 40, 42, 43, 44, 45। तो चेस ओलंपियाड से क्वेश्चन तुम्हें पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहली बार इंडिया में हो रहा है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया है 44, उनका करेक्ट आंसर है। और ये कहां पर हो रहा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हो रहा है नेहरू इंडोर स्टेडियम, ठीक है, नेहरू इंडोर स्टेडियम चेन्नई। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पता होने चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ DICGC? माइकल डी पात्रा, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, एम के जैन या फिर नन ऑफ दीज। तो ये वही बच्चे कर पाएंगे ये क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है जो RBI के सब्सिडरी के बारे में जो पढ़ा होगा, अगर कोई कॉमर्शियल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन DICGC होता क्या ये भी तो तुम्हें नहीं पता होगा। तो ये RBI का एक सब्सिडरी है और इसके जो हेड हैं उनका नाम है माइकल डी पात्रा। इनके जो हेड है माइकल डी पात्रा है। अगर बात किया जाए इसका DICGC का हेडक्वार्टर, तो यह है मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और ये पार्ट ऑफ RBI है। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है DICGC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये होता है द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इंडियन एस जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा सेट न्यू नेशनल रिकॉर्ड एज ही थ्रू हाउ मच मीटर एट द पावो नुर्मी गेम्स इन फिनलैंड? 89.30 मीटर, 89.20 मीटर, 89.10 मीटर या फिर 89 मीटर? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो अभी नीरज चोपड़ा हर जगह छाए हुए हैं, इनका जो करेक्ट आंसर होगा 89.30 होगा। तो एक चीज और बताओ कि इन्होंने नीरज चोपड़ा इन्होंने गोल्ड मेडल लाया है कहां पर? ओलंपिक में। गोल्ड मेडल लाया है कहां पर? ओलंपिक में। तो वहां पर इन्होंने कितना फेंका था? तो 87.58 मीटर। तो थोड़ा सा ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये न्यूज में अभी थे। देखो आजकल क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लेवल का पूछा जाएगा क्योंकि इजी क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स में सभी लोग जान गए, सभी बच्चे जाएंगे कि यहां से पूछता है, लेकिन करंट अफेयर्स को जो डीपली पढ़ के जाएगा वही क्वेश्चन बना करा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ओम बस्टेसमैन फॉर अ 2 ईयर टर्म अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको मनरेगा बोलते हैं। MN सेतु, NJ ओझा, राजेंद्र आरलेकर, SP वर्मा या फिर नन ऑफ दीज। बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो ये बनाया गया ओम बस स्टैंड इसलिए क्योंकि 30 दिनों के अंदर, ठीक है, जो भी लेबर वगैरह काम करते हैं इसमें, जो भी वर्कर काम करते हैं, तो उनके प्रॉब्लम को ये 30 दिन के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये मनरेगा एक्ट है वो 2005 का एक्ट है, ठीक है, 2005 मनरेगा एक्ट है 2005, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, NJ ओझा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू ट्यूब डिक्लेयर एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ विच स्टेट? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ये चूज किया सिक्किम, उनका करेक्ट आंसर है सिक्किम। अच्छा सिक्किम से रिलेटेड थोड़ा सा जान लिया जाए तो सिक्किम का जो कैपिटल है वह है गैंगटोक। सिक्किम के जो CM है उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। और इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है गंगा प्रसाद। और सिक्किम से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपको, मैं बता दे रहा हूं, ऐसे आपको पता ही होगा। इसमें यहां पर जो राज्यसभा का जो सीट है वो आपको है मात्र 1, और लोकसभा का जो सीट है वो भी मात्र है 1, और हाई कोर्ट कहां है इसका? वो भी है सिक्किम में, सिक्किम हाई कोर्ट। तो ये 1-1 के कारण ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पूछ सकता है कि लोकसभा का कितना सीट है सिक्किम में या फिर राज्यसभा का कितना सीट है सिक्किम में, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो मैं हर बार बोलता हूं कि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है, 2 लाइन ज्यादा पढ़ के जाओगे तो बेटर होगा, शायद पूछ दे। नहीं पढ़ के जाएंगे तो उसे तो लॉस, अगर मान लो वो 2 एक्स्ट्रा पढ़ लेते उसे तो लॉस नहीं है, लेकिन हाँ उससे जरूर कहीं ना कहीं तुमको फायदा देखने को मिल सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी वॉज नेम्ड वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2022 बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को ऑड्री अजुले ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमिटी। पता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन बताइए, चार ऑप्शन है, मेक्सिको, फ्रांस, न्यू दिल्ली इंडिया, ढाका बांग्लादेश, या फिर नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्वादलाराजा। ठीक है, ग्वादालाजरा, ठीक है, ग्वादालाजरा मैक्सिको सिटी का नाम है। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख सकते हैं, मैं सही से नहीं कर पा रहा हूं, तो ये मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहां पर जो नाम आया है किसका? यूनेस्को का। तो यूनेस्को को जो हेड है वो कौन है? ऑड्री अजुले है। यूनेस्को का हेड क्वार्टर आपसे पूछ दिया जाए तो कहां पर है? ये पेरिस में है। ठीक है, पेरिस में। और एक चीज और पूछ दिया जाए कि इसमें कितने मेंबर्स है, तो इसमें टोटल 193 मेंबर है। कितने मेंबर है? टोटल 193 मेंबर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2021 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स मैं तो यहां हूं। सुभाष कश्यप, रामादर्श मिश्रा, अश्विनी श्रीवास्तवा, अमिताभ कुमार, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, रामादर्श मिश्रा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है रामादर्श मिश्रा। लेकिन ये भी, ये जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड को दिया जाता है और इसमें कैश प्राइज है 15 लाख रुपीज। और इसके जो, अगर मान लो कोई सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है तो कोई ना कोई इसको कमिटी होगी, तो इस कमिटी का जो हेड थे वह थे सुभाष कश्यप। तो यही होता है जहां से कमिटी और कमीशन से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कुछ नहीं, यही पूछा जाएगा, होता क्या है, सेम चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज पेंड अ बुक टाइटल एज नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माइनिंग्स विद बीसीसीआई इन विच द फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स Incapsulates his 33 months stint at the BCCI. विनोद राय, मीना नैयर, रवि शास्त्री, विनोद कांबले, या फिर नन ऑफ दीज। और ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको करंट अफेयर्स में करा चुका हूं, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि मेरी कोशिश रहती है वो क्वेश्चन डालने का जो मैंने आपको करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ाया है, और जो पढ़ाया है वहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पर डे कोशिश करता हूं कि आपको 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करें जो टोटल न्यू हो, आप कभी नहीं पढ़े हो मेरे द्वारा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जो पहले से पढ़ाया गया, उसका रिवीजन भी हो जाता है साथ साथ, तो इससे आपके पास अच्छे करंट अफेयर्स का कलेक्शन होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए होगा। ठीक है, विनोद राय, विनोद राय इसका करेक्ट आंसर होंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द 2022 लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। चार्ल्स लेक्रिक, लेविस हैमिल्टन, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, मैक्स वर्स्टैपेन, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया स्पोर्ट्स वीमेन, लॉरियस स्पोर्ट्स वीमेन आपसे अगर पूछ दिया जाए, और स्पोर्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ऑस्कर कैसे होता है, इस तरीके से स्पोर्ट्स का ये ऑस्कर माना जाता है। तो ये अगर आपसे पूछ दिया जाए स्पोर्ट्स वीमेन, तो ये था इलेनी थॉम्पसन। और इलेन थॉम्पसन ये जमैका के प्लेयर है, जमैका स्प्रिंटर है। लेकिन यहां से कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा सकता है, अगर लॉरियस का है तो लॉरियस रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया सकता है। तो ये इस साल का जो टीम ऑफ द ईयर है, टीम ऑफ द ईयर,
ठीक है, टीम ऑफ द ईयर मिला इटली मेंस फुटबॉल टीम का, इटली मेंस फुटबॉल टीम को टीम ऑफ द ईयर से नवाजा गया है, आपको पता होना चाहिए। अगर यहां पर एक चीज और पूछ सकता है आपको, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ए अवार्ड मिला था आपको टॉम ब्रैडी को। टॉम ब्रैडी यूएसए का एक प्लेयर है, ठीक है, ये फुटबॉल खेलते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट ये भी है, आपको पता होना चाहिए। और भी बहुत सारे अवार्ड है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड रिलेटेड सारा चीज मैंने आपको डिटेल में बता दिया हूं। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि लॉरियस स्पोर्ट्स का जो वेन्यू है ये हुआ कहां था, तो आप बता देना है स्पेन, और इसको प्रेजेंट किया गया था किसके द्वारा, तो लॉरियस स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा। चलिए, हाँ, लेकिन इसमें इंडिया की तरफ से एक बेस्ट चीज ये बताया गया था कि नीरज चोपड़ा जो है इनको नॉमिनेट किया गया था किसके लिए, ब्रेक थ्रो प्लेयर ऑफ द ईयर। इनको जो नॉमिनेट किया गया था किस लिए नॉमिनेट किया गया था, तो इनको नॉमिनेट किया गया था ब्रेक थ्रो प्लेयर ऑफ द ईयर, ब्रेक थ्रो प्लेयर ऑफ द ईयर से इन्हें नॉमिनेट किया गया था। मात्र यही एक इंडियन प्लेयर थे जिनको नॉमिनेट किया गया था किसमें, लॉरियस स्पोर्ट्स में। चलो, इतना आपको इंपॉर्टेंट है, एकदम रट के जाना जो मैं बता रहा हूं, और साथ ही साथ अगर अच्छे से जाना चाहते हो तो स्पोर्ट्स के सेक्शन को जो मैंने पढ़ाया है वहां पर जाकर देख लो, वो तुम्हारे उसमें लॉरियस स्पोर्ट्स रिलेटेड और सारा चीज रिलेटेड मैंने आपको वहां डिटेल में बता के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद, अलाहाबाद, अमृतसर, हैदराबाद। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है वो अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कुछ और मैं बता देता हूं, मिल्क सिटी से जो फेमस है वह आनंद कहां पर है, तो आनंद एक गुजरात का एक जगह है, गुजरात। इसके अलावा आपको बता दूं, ब्लू डायमंड से जो फेमस है वो है आसनसोल। इसके अलावा सिल्क सिटी से जो फेमस है वह भागलपुर, ठीक है, भागलपुर। इसके अलावा हाँ, टी सिटी से जो जिसका उपनाम है वह डिब्रूगढ़ आसाम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द कंट्रीज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड 56 ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2021, दामोदर मौजो, नीलमणि फुकन, अमर मित्रा, इकबाल सिंह लालपुरा, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत बेस्ट पिक किया जाता है, ठीक है, सारे बेस्ट पिक किया जाता है, और आपके 25 क्वेश्चन के लिए 2 से 3 घंटा बैठा जाता है, तब जाके इस 25 क्वेश्चन को सेट किया जाता है। तो सारे क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड लेवल के हैं, अच्छे से पढ़िए, मार्क्स जरूर आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नीलमणि फुकन। और ये नीलमणि फुकन जो है ये आसामी पोएट हैं, क्या है, आसामी पोएट, लेकिन एक 57 ज्ञानपीठ अवार्ड भी दे दिया गया है। तो ये 57th नंबर का जो जीते उनका नाम है दामोदर मौजो MAUZO। और ये जो है कोंकणी राइटर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद करके जाना। चलो, और आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। इस्लामाबाद, दिल्ली, ढाका, मुरादाबाद, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है, मुरादाबाद, उनके करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मुरादाबाद होगा, तो अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के जो हेड हैं उनका क्या नाम है, तो ये हेड है, इनका नाम है इंगर एंडरसन। तो अच्छे से आपको ये चीज को भी पता होना चाहिए।
चलिए और आज का दो अंतिम प्रश्न है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 20 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 व्हिच असेसेस द स्टेट ऑफ जर्नलिज्म इन 180 कंट्री एंड टेरिटरीज, 136, 155, 150, 121 या फिर नन ऑफ दिस। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया 150 उनका करेक्ट आंसर है, और ये जो रिलीज किया जाता है ये होता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा, ठीक है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। तो ये रहे आज का टोटल 25 क्वेश्चन, आपको बताना है कि आपको 25 में से कितने मार्क्स आए हैं। तो अभी तक टोटल 8 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करा दिया गया और 8 मॉक टेस्ट में आप डेली 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है काफी मजबूत हो जाएगा। साथ ही साथ स्टैटिक के जो, अगर आप स्टैटिक नहीं पढ़े तो स्टैटिक के पोर्शन को भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े हैं तो अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, रिविजन अच्छे से कीजिए, मॉक लगाने से यही बेटर होता है कि आपको रिवीजन बहुत हाई लेवल पे होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को पहली बार जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।